नमस्ते बच्चों। बच्चों, आपने विज्ञान के चमत्कार को पढ़ा और सुना ही होगा, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविज़न, बल्ब, हवाई जहाज़ और रॉकेट आदि नए नए आविष्कार हुए हैं। इन आविष्कारों के पीछे वैज्ञानिकों की बहुत मेहनत और लगन छुपी हुई होती है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक हमें विज्ञान के चमत्कार देते हैं, जिससे हमें संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी अपने अलौकिक आविष्कारों और अनुसंधानों से संसार को चमत्कृत किया है। आर्यभट्ट, डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन की खोजों की ही तरह डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की वनस्पतियों के संबंध में की गई खोज से संसार चमत्कृत हुआ। वृक्षों में भी जीवन होता है, यह तथ्य डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने दुनिया को बताया। तो आइए, पाठ 23, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस में हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी खोजों के संबंध में पढ़ेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था। देखिए, सूर्य अस्त होने का मतलब है सूर्य डूबने वाला था और शाम होने वाली थी। चिड़िया चहकती हुई अपने अपने घोंसलों में लौट रही थी। ठंडक बढ़ती जा रही थी। गरम स्वेटर, मोजे, हाफ पैंट पहने, हाथ में एक बेत लिए, बेत यानी एक लकड़ी छड़ी, विक्की अपने घर के बगीचे में टहल रहा था। वह कभी किसी पेड़ पर अपना बेत जमा देता, कभी किसी फूलदार पौधे को झकझोर देता। उसके दादाजी बरामदे में बैठे चाय का घूंट ले रहे थे। उनकी दृष्टि विक्की की ओर ही थी। उसे पेड़ पौधों में उलझा देखकर वे बोले, विक्की, अब इधर आ जाओ, पौधों को मत छेड़ो, यह उनके आराम करने का समय है। विक्की ने कहा, वाह दादाजी, आपने खूब कहा, मानो पेड़ पौधे भी सचमुच आराम करते हैं, सोते हैं। हाँ, वे सचमुच आराम करते हैं और रात को सोते भी हैं और प्रातः जाग जाते हैं, दादाजी ने विक्की को समझाया। दादाजी, यह आपने नई बात बताई, भला पेड़ पौधे भी कहीं सोते हैं? आपने कैसे जाना कि पेड़ पौधे सोते हैं? वे तो रात को भी हिलते डुलते रहते हैं, सोने वाला आदमी तो हिलता डुलता नहीं। अच्छा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ, दादाजी ने विक्की से कहा। विक्की को कहानी सुनने का बड़ा शौक था। वह तुरंत आकर दादाजी की गोद में बैठ गया। अब सुनाइए कहानी, वह दादाजी से बोला। दादाजी ने चाय का प्याला रख दिया। वे एक हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए कहानी कहने लगे। उस समय अपना देश बहुत बड़ा था। तब बांग्लादेश भी भारत का भाग हुआ करता था। जैसा हमारा भारत देश है, वैसे ही बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका के पास एक गांव है, राढ़ीरवाल। वहां एक डिप्टी कलेक्टर के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जगदीश चंद्र। देखिए चित्र में, देखिए जगदीश चंद्र जी की फोटो देखिए आप। जगदीश के पाठशाला में किसानों के बच्चे खेतीबाड़ी और पेड़ पौधे के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। इस कारण बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। बचपन में जगदीश ने देखा कि छुई मुई नाम के पौधों की पत्तियां हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती हैं। आपने भी देखा होगा कि, देखिए आप चित्र में देखिए, छुई मुई का पौधा, आप इसको टच करेंगे, छुएंगे तो ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और थोड़े देर के बाद वे पुनः खिल जाती है। सूरजमुखी नाम के पौधे का फूल सदैव सूरज के सामने होता है। आपने भी देखा होगा, आपने घर बाड़ी में सूर्यमुखी का फूल खिला रहता है, उसका मुंह हमेशा सूर्य के सामने रह होता है। इस बालक ने बड़े होकर पेड़ पौधों पर बहुत से प्रयोग करके
यह सिद्ध कर दिया था कि पेड़ पौधे भी हम सब की तरह सोते हैं, जागते हैं, उन्हें भी भोजन और पानी चाहिए। वे भी सुखी और दुखी होते हैं, वे भी रोते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, पेड़ पौधे भी रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनमें हम उनको पानी भी देते हैं ना। हाँ, बहुत बढ़िया दादाजी, आप तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में पूरी बातें बताइए, विक्की ने मचलते हुए कहा। अच्छा तो सुनो, जगदीश चंद्र जब छोटे थे तो रोते बहुत थे। आप सब भी बचपन में रोते रहे होंगे ना। तुम्हारी तरह, दादाजी ने हंसते हुए कहा। मैं कहाँ रोता हूँ, विक्की बोला। तुम्हें क्या पता, तुम तो बहुत छोटे थे। खैर, उसके माता पिता ने उसके लिए एक तरकीब सोची। तरकीब मतलब उपाय। रात में जैसे ही वे रोना शुरू करते, वैसे ही ग्रामोफोन पर कोई गाना बजा दिया जाता था। देखिए, ये ग्रामोफोन का चित्र है। इसमें भी जिस प्रकार से हम टेप रिकॉर्डर में, सीडी में हम गाना सुनते हैं ना, वैसे ही पुराने जमानों में ग्रामोफोन हुआ करता था। यह गाना सुनने का काम आता था। गाना सुनते ही बालक जगदीश का रोना बंद हो जाता था और वह सो जाता था। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई। पाठशाला के आसपास खूब पेड़ पौधे थे। बालक जगदीश का उनसे खूब लगाव हो गया था। गांव की पढ़ाई पूरी होने पर जगदीश को आगे की शिक्षा के लिए कोलकाता भेज दिया गया। वे पढ़ने में बहुत होशियार थे, जैसे तुम हो। विक्की यह सुनकर बहुत खुश हो गया। फिर क्या हुआ, उसने पूछा। जब कोलकाता में उसने पढ़ाई पूरी कर ली, उसे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ पढ़ते हुए उसका संपर्क मतलब मेल मिलाप बड़े बड़े वैज्ञानिकों से हुआ। वैज्ञानिक मतलब विज्ञान की जानकारी रखने वाले। फिर क्या, वे वहीं रहने लगे, विक्की ने पूछा। नहीं, वहाँ की पढ़ाई पूरी करके वे वापस कोलकाता आ गए। वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। देखिए, कोलकाता का बहुत बड़ा कॉलेज है जिसका नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज। चित्र में आप देख सकते हैं, बड़ी कक्षाओं को जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं। जगदीश चंद्र अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे। वे गलत काम करते भी नहीं थे और गलत बात मानते भी नहीं थे। उस समय अपने देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह से अत्याचार करते थे। अत्याचार मतलब जुल्म करते थे। यह कॉलेज उन्हीं का था। उन्होंने यहाँ प्रोफेसरों के लिए दो नियम बना रखे थे। अंग्रेज प्रोफेसरों को वेतन अधिक दिया जाता था, लेकिन भारतीय प्रोफेसरों को कम वेतन मिलता था। वेतन यानी तनख्वाह। जगदीश चंद्र को यह दोहरा व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध किया। कई वर्षों तक उन्होंने वेतन नहीं लिया, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। अंत में कॉलेज वालों को झुकना पड़ा। दादाजी, आपने यह तो बताया ही नहीं कि उन्होंने पेड़ पौधों पर क्या प्रयोग किए, विक्की ने पूछा। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। उन्होंने अपना पूरा ध्यान पेड़ पौधों के जीवन के अध्ययन पर लगा दिया। उन्होंने इसके लिए कई यंत्र बनाए। यंत्र यानी मशीन। इन यंत्रों की सहायता से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें भी हमारी तरह खाना चाहिए। वायु, वायु यानी हवा, और सूर्य का प्रकाश, रोशनी चाहिए। उन पर भी गर्मी और सर्दी का प्रभाव पड़ता है। उन्हें भी सुख और दुख होता है। आदमी और पशु पक्षियों की तरह वे भी मरते हैं। आप भी अपने आसपास पेड़ पौधों को देखे होंगे। कोई पौधा सूख जाता है एकदम से, मतलब वो मर जाता है। और कभी क्या करते हो, आप लोग भी शरारत करते हो ना, पेड़ पौधे को डंडी से, छड़ी से मारते हो, है ना, फल तोड़ने के लिए पत्थर भी मारते हो, तो उन्हें दुख भी होता है।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जगदीश चंद्र बोस द्वारा की गई खोजें संसार भर की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपी। लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। कुछ वैज्ञानिकों को उनकी खोज पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें फ्रांस बुलाया गया और वहां अपने प्रयोग सिद्ध करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, जहर खाने से आदमी मर जाता है, यदि किसी पौधे पर जहर डाला जाए तो वह भी मुरझा जाएगा। तुरंत वहां जहर मंगाया गया। वह जहर एक पौधे पर डाला गया तो उस पौधे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को तो अपने प्रयोग पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, यदि यह जहर पौधे पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता तो मेरे ऊपर भी नहीं डाल सकेगा। यह कहकर उन्होंने बचा जहर स्वयं पी लिया। सचमुच उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि वह जहर था ही नहीं। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। वे सब बहुत लज्जित हुए। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस सही अर्थों में एक वैज्ञानिक थे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना की। उन्होंने अपने प्रयोगों से अपने देश का नाम रोशन किया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है? हाँ दादाजी, अब मैं जान गया। अब मैं किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो बच्चों, हमने इस पाठ में देखा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। पेड़ पौधे भी हंसते हैं, रोते हैं, उन्हें भी दुख होता है और वो पेड़ पौधे मरते भी हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आज के बाद से कभी कोई पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि पौधों से हमें हवा, वायु और ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए आप कभी कोई पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्यों को करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताओ। पहला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर, बालक जगदीश को रोने से चुप करने के लिए उनके माता पिता ने क्या तरकीब निकाली? बताइए। तो हमने पढ़ा भी पढ़ा, क्या तरकीब निकाली थी? हाँ, बालक जगदीश को रोने से चुप कराने के लिए उनके माता पिता उन्हें ग्रामोफोन पर गाना सुनाने की तरकीब निकाली। बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? कहाँ प्राप्त की थी? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की। अब आगे देखते हैं, नीचे लिखे कथनों में से सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखो। अब आपने पढ़ा है तो आपको यहाँ पर बताना है। कम यहाँ पर दिया हुआ है। का देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई। बताइए तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई थी क्या? नहीं, गांव में हुई थी, इसलिए यह कथन असत्य है। आगे देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म कोलकाता के पास एक गांव में हुआ था। यह कथन भी गलत है, असत्य है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के राढ़िलवाल गांव में हुआ था, तो इसलिए यह कथन असत्य है। अब आगे देखिए, बचपन से ही जीव जंतुओं में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की रुचि थी क्या? जीव जंतुओं में रुचि थी? नहीं, पेड़ पौधों में रुचि थी, इसलिए यह कथन भी असत्य है। उसके बाद आगे देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस एक स्वाभिमानी वैज्ञानिक थे। यह कथन बिल्कुल सत्य ही है। उसके बाद आगे देखिए, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। यह कथन सत्य है। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाओ। भाववाचक संज्ञा बनाना है, हंसना, बोलना, चलना, कूदना, लिखना। तब आगे हम इसको देखते हैं। उसमें ये देखिए, पहले खंड में शब्द दिया है, दूसरे खंड में भाववाचक
संज्ञा दिया हुआ है। तो हंसना, हंसना का भाववाचक शब्द क्या हो जाएगा? हंसी। और बोलना, बोलना का भाववाचक संज्ञा बनेगा बोली। चलना, चलना क्या होगा? शब्द है हमारा और उसका भाववाचक क्या हो, संज्ञा क्या बन जाएगा? चाल। बचपन, बचपन का बचपना। और लिखना का लिखाई भाववाचक संज्ञा बनेगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। धोखा शब्द में बाज जोड़कर धोखेबाज शब्द बना है। नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्दों में दिए गए शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाओ। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर देखिए, शब्द दिया है लकड़ी और शब्दांश में दिया है हारा। तो ये शब्द के बाद जुड़ने वाला जो शब्दांश होता है उसे हम प्रत्यय भी कहते हैं। तो लकड़ी में हमने हारा जोड़ा तो क्या बन गया? लकड़हारा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आप आगे देखिए, भारत शब्द में हमने ए प्रत्यय या शब्दांश जोड़ा तो क्या बन गया? वो भारतीय। उसी प्रकार आगे देखिए, प्रारंभ, प्रारंभ शब्द में एक प्रत्यय हमने जोड़ा या शब्दांश जोड़ा तो क्या बन गया? वो प्रारंभिक। उसी प्रकार ईमान, ईमान शब्द में हमने दार प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? ईमानदार। और आगे है घूमना, घूमना में हमने अक्कड़ शब्दांश लगाया तो क्या बन गया? वो घुमक्कड़। इस प्रकार से आपके नए शब्द भी बन गए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं जिसको आपको अपने अभ्यास कॉपी में लिखना है। प्रश्न पहला है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस बड़े स्वाभिमानी थे। इस कथन को तुम उनके जीवन के किस प्रसंग से सिद्ध करोगे? अपने शब्दों में लिखो। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के अलावा भारत में और भी अनेक वैज्ञानिक हुए हैं, किन्हीं दो के संबंध में पांच पांच वाक्य लिखो। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जैसे हमारे जीवन के लिए सूर्य की रोशनी और वायु आवश्यक है, उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए भी सूर्य की रोशनी और वायु आवश्यक है। दो अलग अलग पौधे लो, एक को कांच के बर्तन में बंद करके रखो और दूसरे को खुले में रखो, क्या अंतर आता है? देखो और लिखो। उसके बाद अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों का चित्र बनाकर रंग भरो। आप अपनी पसंद का कोई भी पेड़ पौधे का चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भी भर सकते हैं। बच्चों, इन गृह कार्यों को पूरा करने के लिए आप अपने बड़ों की भी मदद ले सकते हो, बड़े भाई बहन माता पिता की भी मदद ले सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।